वेलकम स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल कराऊंगा। सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल आपके रह रहे थे, तो देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2.1 करा चुका हूँ, 2.2 भी करा दिया, 2.3 भी करा, 2.4 करा रहे हैं। इन्होंने कहा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी इज 68% एसिड बाई मास इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में उसका जो एसिड बाई मास परसेंट है 68% है। इसका मतलब वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम। अब हमें मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है HNO3 का, निकाल देंगे 1 + 14 + 48 63 ग्राम इसका मॉलिकुलर मास हुआ। अब आप जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको बता 1.504, मास आपको बता 100, परसेंट बाय मास दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 डिवाइड बाय 1.504 ml, ये वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम जानते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू V इन ML, या M बराबर आ जाएगी, W का मतलब 68 ग्राम हुआ, फैक्टर हमारा 1000 हुआ, इसका मॉलिकुलर 63 हुआ, वॉल्यूम हमारा हो गया 100 और ऊपर आ जाएगा 1.54। ये ग्राम पर मोल क्या होगा, इतनी इसकी मोलरिटी कहलाती है। बाकी आप सब कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2.5। तो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, फिर समझिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारा नाइट्रिक एसिड का 68% बाई मास है। इसका मतलब वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी आपको दे रखी है उन्होंने 1.54। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड वॉल्यूम सॉल्यूशन डेंसिटी होती है, ये 1.504 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 डिवाइड 1.504 ml, या m बराबर WB इंटू 1000 MB इंटू V इन मिलीलीटर, या m बराबर 68 इंटू 1000 1.54 63 डिवाइड बाय 100 ग्राम पर मोल। इससे आप क्या करेंगे, इससे इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है। क्या कहा उन्होंने, इन्होंने बोला एक सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड बाय 10 by 10 W by W। देखो दो तीन चीज़ होती हैं, एक होती है W by W, एक होती है W by V, एक होता है V by V। W by W का मतलब है कि 10% W by W का मतलब है 10 ग्राम लिया और 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया। उसके बाद बात आती है हमारी आपका W by V, इसका मतलब हमने वेट लिया, हमने इतना वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाया। दूसरा था V by V, यानी इतना ml लिया और हमने वॉल्यूम में सॉल्यूशन बनाया। तो ये W by W, V by V, ये सब इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इन्होंने कहा ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, उसको लेवल हमने करा 10% W by W। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ 2.5 क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2.5। इन्होंने कहा वेट ऑफ ग्लूकोज, यानी वेट ऑफ ग्लूकोज बराबर 10 ग्राम एंड वेट ऑफ वाटर 100 - 10 90 ग्राम, मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम, मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज आपका 180 ग्राम। ठीक है जी। डेंसिटी आपको दे रखी है उन्होंने डी बराबर 1.2। अब ये सारी बात पूछे, ये पूछे इसकी मोल फ्रैक्शन बताओ, मोलरिटी बताओ और आपका मोलरिटी बताओ। तो पहले हम इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा, m / v। तो टोटल सॉल्यूशन 100 था,
डेंसिटी हमारी कितनी आ गई यहाँ से, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, एम अपॉन डी। ये हमारा 100 ग्राम था टोटल सॉल्यूशन, डेंसिटी थी हमारी 1.2, इतने एम एल इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पहले इसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू बी इन मिलीलीटर। डब्ल्यू बी कितना लिया हमने, 10 ग्राम, 1000 फैक्टर हुआ, मोलिक वेट हुआ ग्लूकोज का 180 सॉरी, और वॉल्यूम कितना हुआ, 100 इंटू 1.2 मोल पर लीटर, ये मोलरिटी आ जाएगी। उसके बाद अब पूछ, यानी कैपिटल एम, उसके बाद मोलेलिटी यानी स्मॉल एम बराबर होगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू इन ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में लेंगे तो क्या जाएगा, डब्ल्यू बी वेट हमें दिया है 10, 1000 हमारा फैक्टर हुआ, मोलिकुलर वेट कितना हुआ बेटा 180, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ हमारा 90 ग्राम। ठीक है, यहाँ से हमने मोलिटी कैलकुलेट कर ली। अब वो कह रहा आप मास परसेंटेज और बताओ, तो मास परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, सॉरी फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए, तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, तो वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट कितना है 10 ग्राम, 180 क्या हुआ इसका फैक्टर हो गया यानी मोलिक वेट हुआ। इस तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज कायम है इन वाटर, यानी वाटर के नंबर ऑफ मोल, तो क्या निकालेंगे 90 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 18 × 5 आ गया, और इसको काटेंगे तो क्या होगा 18 × 5 18 × 5 0.055 इसके मोल आ जाएंगे। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ग्लूकोज के कितने हमारे 0.5055 डिवाइड बाई 5 + 0.055। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर 0.055 डिवाइड बाई 5.055। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे हमारी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, तो इस तरह आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी बात दी जाती है, यानी बहुत सारी बात पूछी जाती है कि आप ये बताओ ये बताओ ये बताओ, तो क्या है आपको सारी बात बतानी होती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या कहा उन्होंने, तो ये तो समझ में आ गया होगा मोलरिटी मोलरिटी मास परसेंटेज सब कुछ कैलकुलेट करना है। उसके बाद उन्होंने आपसे बोला है कि हाउ मैनी एम एल ऑफ 0.1 MSCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर ऑफ बोथ। ये कह रहे हैं बताओ कितने मोल HCl के रिक्वायर्ड होंगे टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर ऑफ बोथ, तो आपको ये निकालना है। तो क्या करेंगे आप देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml of 0.1 MSCr रिक्वायर्ड
प्रोडक्ट कंप्लीट विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NHCO3। क्वेश्चन आपका 2.6। तो हमने मान लिया वेट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू एक्स और मॉलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3 23 × 2 प्लस 12 + 16 × 3 तो 42 12 48। 8 2 10 5 1 7 और जी 100 यानी 23 दुनी अच्छा 23 दुनी 40 हो गया भाई 40। तो ये कितना 8 2 10 10 6 16 1 4 5 4 9 और 1 10 106 ग्राम। इसी तरह से वेट ऑफ NaCO3 बराबर 1 - x और मॉलिकुलर वेट ऑफ NaHCO3 बराबर 23 × 23 + 1 + 12 + 48 कितना हुआ जी 8 2 10 8 2 10 और 11 और 3 14 1 4 1 5 2 7 और 1 8 84 ग्राम। अब यहां से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट बराबर क्या आएंगे आएंगे ये आएंगे हमारे एक्स अपॉन 106। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3 बराबर 1 - x / 84 दोनों के मोल आ गए। अब ये कहने अगर दोनों के मोल बराबर हो तो क्या होगा देखो फ्रॉम क्वेश्चन क्वेश्चन से दोनों मोल बराबर है तो हम क्या करेंगे दोनों बराबर करेंगे x / 106 इज इक्वल टू 1 - x / 84 84x = 106 - 106x या 190x = 106 या x = 106/190 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो मोल हमारे किसके होंगे सोडियम कार्बोनेट के वही किसके होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के क्योंकि उन्होंने बोला है इक्वी मोल ऑफ बोथ दोनों के मोल बराबर हो तो क्या आएगा यहाँ से ये रहेगा जी कैलकुलेटर ले लेंगे हम अपना समथिंग आना चाहिए हाँ ये आएगा 0.5578। तो जो मोल हमारे किसके होंगे ये तो एक्स की वैल्यू आई है अब निकाल लेंगे मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट बराबर क्या था x / 106 एक्स की वैल्यू आई 0.5578/106 कैलकुलेट करेंगे इसको 0.5578 को 0.00526 ये मोल हो गए। जितने मोल इसी के होंगे उतने मोल किसके होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या अनुसार क्या है जी फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हम जानते हैं Na2CO3 प्लस जिसमें HCl डालेंगे तो ये सिलेक्शन करके हम बनाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और अगर हम लेते हैं NaHCO3 तो वहाँ पर एक मोल लगेगा HCl का NaCl प्लस H2O प्लस CO2 तो टोटल मोल ऑफ HCl
इज इक्वल टू 3 इंटू 0.00526। ये मोल भाई, इसका एक मोल 0.056 के बराबर है, इसका एक मोल 0.05526 के बराबर है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो मोल लग रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तीन मोल रहे, तो टोटल मोल कितने हो गया इससे लिए 3 इंटू 0.05526। अब निकाल लेंगे हम किससे, क्या कहा उन्होंने, अब इन्होंने पूछा आपसे हाउ मैनी एम एल, एम एल चाहिए आपको, यानी मोलरिटी बराबर क्या आएगी आपकी, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मोलरिटी आपको दे रखी 0.1 एम एस एल की, नंबर ऑफ मोल कितने 3 इंटू 0.0526, यहाँ निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या आएंगे बराबर आएगा V बराबर आ जाएगा 3 इंटू 0.00526 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, इतना हमारा लीटर क्या आएगा, इतना लीटर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 3 इंटू 0.00526 डिवाइड बाई 0.1, यह आएगा 0.11578, यानी 0.1578 लीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 1557.8 मिलीलीटर। ठीक है, फिर दोबारा समझ लीजिएगा क्या कहा उन्होंने, उन्होंने बोला है वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उन्होंने कहा आपसे क्वेश्चन बताए क्वेश्चन में कि हाउ मेनी एम एल ऑफ 0.1 एम एस सी एल आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर ऑफ बोथ। यानी आपके पास में एक मिक्सचर है जो जिसके यानी 1 ग्राम मिक्सचर है, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों के मोल्स हमारे क्या हैं, बराबर हैं। अब जब दोनों के मोल बराबर हैं तो उन्होंने पूछा आपसे बताओ 0.1 MHCl हमने लिया उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो कितने हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी HCl के जो इस मिक्सचर को न्यूट्रलाइज कर दे। हम लिखेंगे पहले वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट x मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाला, वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 1 - x, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकाला। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू दिस वन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि दोनों के मोल बराबर है, तो x डिवाइड 106 इज इक्वल टू 1 - x डिवाइड बाई 84, इनको इक्वेट कर देंगे तो x वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.5578। अब मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 0.5578 डिवाइड 106, जितने मोल इसके हैं क्वेश्चन के अनुसार उतने मोल किसके होंगे, सोडियम कार्बोनेट के होंगे, थोड़े बाइकार्बोनेट के, दोनों के मोल निकाल लिए। अब जो मिक्सचर है हमारा इसमें सोडियम कार्बोनेट भी है और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो HCl डालना पड़ेगा, जब HCl डालेंगे तो NaCl ये रिएक्शन होगी, तो इसका एक मोल 0.5526 के बराबर है, इसका एक मोल 0.0056 के बराबर है, तो इन दो मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए तीन मोल लग रहे हैं, तो थ्री मोल्स हो जाएंगे टोटल हमारे। यहाँ से हम क्या करें, मोलरिटी वाला फॉर्म लगाएंगे और HCl का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 2.7, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, देखो बेटा ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसमें ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखो फिर आप 2.8 देखो, 2.7 थोड़ा प्रिंट सही नहीं हो रहा है मेरे पेज पर, ओवरलैपिंग हो गया। क्या है जी, उन्होंने बोला आपसे एन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 22.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो क्वेश्चन नंबर 2.8 क्या कहा उन्होंने, एक सॉल्यूशन एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन बनाया गया WB यानी वेट ऑफ 22.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, तो मॉलिक्यूलर वेट इथाइलिन ग्लाइकोल का यानी C2H4O2 का 24 प्लस 4 प्लस 32, तो कितना हो गया हमारे ये 60 हो गए होंगे, हाँ ठीक है 60 हो गया। अब उन्होंने पूछा है वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर 200 ग्राम। अब अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालें,
200 प्लस 222.6 यानी 422.6 ग्राम। उसके बाद उन्होंने कहा है डेंसिटी, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ, डेंसिटी आपको दे रखी है कितनी है जी, 1.072 ग्राम पर एमएल। तो अब यहां से कह रहे हैं कि आप बताओ मोलरिटी एंड मोलरिटी दोनों पूछिए आपसे, फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया था पहले था। तो आप क्या करेंगे मोलरिटी और मोलरिटी निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी आपको, तो डी बराबर क्या होगा एम अपॉन वी, एम क्या होगा हमारा 422.6, वॉल्यूम ये हो ही गया, या वी बराबर 422.6 डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी थी 1.072। तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पहले निकालेंगे मोलरिटी, एम ओ एल ए आर वाई टी, मोलरिटी यानी स्मॉल एम कैपिटल एम सॉरी, बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड वी इंटू वी इन एम एल मिलीलीटर। तो यहां से डब्ल्यू बी हमने कितना लिया 22.6, 1000 फैक्टर, मॉलिकुलर मास हमारा 60 हो गया, और वॉल्यूम कितना हमारा 422.6, और ऊपर आ जाएगा हमारा 1.072। ठीक है, चलिए ये मोलरिटी हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगी डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू एन ग्राम इज इक्वल टू जाएगी 22.6 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 और इंटू, अब यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट रख देंगे आप, कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 200 ग्राम, ये क्या हो जाएगी हमारी स्मॉल एम, कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरह से हम स्मॉल एम और कैपिटल एम को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 2.9, इन्होंने कहा ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सोजेनिक, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 पीपीएम बाई मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर। क्या कहा है देखो भाई, इन्होंने बोला आपसे 15 पीपीएम, हम क्या करेंगे हम निकालेंगे, हम लिखेंगे पहले वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म 15, वेट ऑफ सॉल्यूशन टेंस फॉर 6 पीपीएम मतलब पर मिलियन, मॉलिकुलर वेट ऑफ सी एस सी एल थ्री कितना होगा 12 + 1 + 35.5 × 3 तो 12 13, तो ये हो गया प्लस 5 3 15 और 5 3 15 1 16 और 3 3 9 और 1 10, ये जाएगा मेरे ख्याल से 119.5 ग्राम पर मोल। अब इन्होंने कहा है इसकी मोलरिटी निकालो, मोलरिटी लिखेंगे मोलरिटी स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो डब्ल्यू बी कितना हुआ हमारा 15 हुआ, 1000 हमारा फैक्टर हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने 10^6 मान लिया, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 119.5, तो ये तो इसकी मोलरिटी हो जाएगी बेटा। इसी तरह हम क्या करेंगे इसकी मोलरिटी मास परसेंटेज निकलवा सर, हम
तो मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म बराबर होगा डब्ल्यू सी एच सी एल थ्री इंटू 100 डिवाइड बाई डब्ल्यू सी एच सी एल थ्री प्लस डब्ल्यू एच टू ओ। तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 पावर 3, और ये होगा 15 प्लस 10 पावर 6। अब 15 वेरी वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू 10 पावर 6, नेग्लेक्ट कर देंगे। 15 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 10 पावर 6 या 15 इंटू 10 पावर -3 या 1.5, और सॉरी 10 पावर 2 आएगा यहाँ -4 या 1.5 इंटू 10 पावर -3। ये क्या आएगी, इसकी मास परसेंटेज आएगी, और ये जाएगी आपकी कैलकुलेट करोगे लगभग 1.25 इंटू 10 पावर -4। ठीक है, आपका स्मॉल एन। तो इस तरीके से आप मोलैलिटी एंड मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए, व्हाट रोल डज द मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। ठीक है ना, बताओ व्हाट रोल डज द मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। क्या होता है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स लगती है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर रेज। ये कह रहे बताओ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसों का जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो घट जाती है, क्यों? तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे सिंस डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गैसों का लिक्विड में घुलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है। स्टेट हैंडिला है, मैंने आपको कराई दिया है। उसके बाद आपका व्हाट इज मीन बाय द पॉजिटिव नेगेटिवेशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड हाउ इट इज साइन फॉर डेल्टा इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिवेशन। अब उसके बाद 2.15 क्वेश्चन देखिए इसका। क्या बेटा 2.15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.15 क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा एन एक्वस सॉल्यूशन 2% नॉन वोलेटाइल। तो डब्ल्यू बी क्या हुआ, 2 ग्राम, और मॉलिक्यूल मास हमें इसका पता नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारा। प्रेशर हमारा कितना हुआ, पी ए इज इक्वल टू 1.004, तो पी ए नॉट कितना होता है 1.013 bar। उसके बाद ये कहते हैं व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो डब्ल्यू ए क्या हमारा वाटर है, वाटर का वेट कितना हुआ 98 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना हुआ 18। तो आप जानते हैं पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर चाई बी। ये चाई बी होता है हमारा डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए और ऊपर आपका एम ए। ये हो जाएगा, यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1.013 - 1.004 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी हमारा कितना हुआ 2 ग्राम हुआ, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ हमारा 18, वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमें इसका कैलकुलेट करना है, और डब्ल्यू ए कितना हमारा 98। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे इसको, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैसे, हम लिखेंगे एम बी बराबर टू इंटू 18 डिवाइड बाई 98 और इंटू 1.013 - 1.04 और ऊपर आ जाएगा हमारा 1.013। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 1.013
98 इंटू, अब 1.013 में से 1.04 घटा लेंगे, तो 1.013 माइनस 1.004 ये 0.009 आ जाएगा, तो 0. अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा, तो ये क्या होगा देखो भाई, ये आपका जाएगा 2 × 18 इंटू 1.013 डिवाइड बाई 98 फर्दर डिवाइडेड 0.009 41.34, सो इट्स वैल्यू विल बी 41.34 ग्राम पर मोल. सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर सेकेंड. सर नमस्कार. ओके, तो दीज आर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर सॉल्यूशंस. ठीक है बेटा, फिर दोबारा समझ लीजिएगा. इन्होंने कहा है कि आप ये बताइएगा कि हमारा 2% नॉन वर्ल्ड सोल्यूट था कोई, उसको हमने क्या किया, डिजोल्व किया. 2% है तो इसका मतलब क्या है, टोटल सोल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, 100 - 2 = 98. तो WB = 2 ग्राम. मॉलिक हमें कैलकुलेट करना है, पी ए हमें दिया 1.04 bar, ई ए नॉट 1.013 bar, W A 98, M A = 18. सो वी कैलकुलेट पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू चाई बी, WB × MA डिवाइड बाई MB × WA, या 1.013 माइनस 1.04 डिवाइड बाई 1.013 इज इक्वल टू 2 × 18 डिवाइड बाई MB × 98. सो MB = 2 × 18 × 1.013 डिवाइड बाई 98, 1.013 माइनस 1.04. सो 2 × 18 × 1.013 डिवाइड बाई 98 × 0.09, इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 41.34 ग्राम पर मोल. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नॉन वर्ल्ड सोल्यूट्स. ओके, चलिए बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में बताएंगे. थैंक यू.